हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखो मैं यार आप और मेरा बहन का बेटी नहीं नहीं ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा नया फ्रेंड। तो हम दोनों अभी घूमने के लिए जा रही हूँ। देखो अब तैयार हो चुकी हूँ, बाहर देखो बाहर आ चुकी हूँ। अभी रिक्शा है, ये एक अच्छा खासा रिक्शा जिसका ऊपर भी एक छत है। अरे खानदानी रिक्शा, हाँ राइट, ये है खानदानी रिक्शा जिसमें चढ़ी हूँ। देखो आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए खानदानी रिक्शा का एक हमने, ओ माय गॉड, सारा देखो डूब चुकी है पूरा बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश का आस्ते से दोबारा, देखो पानी के नीचे ना फोन गिर जाएगा ना, तो इसका तो जैसे कि तैसे हो जाएगी, बस ना धो के फिर आ जाएगा, फिर इसका डेड बॉडी मिलेगी मेरे को। देखो अभी क्या है ना, ईद का थर्ड डे, घूमने के लिए तो कहीं नहीं निकला मैं अभी इसीलिए निकल चुकी हूँ। टेंशन ना, जीजा जी के लिए बिरयानी लेके जा रही हूँ जीजा जी के घर, खानदानी बिरयानी। मेरी माँ ने ही बनाया। आधा नहीं, इसमें हम दोनों बहन, आधा मैं बनाया, मतलब बहन ने सब बोल दिया, आधा बहन ने बनाया आधा मैं बनाया। मेरा बाप बोलेगा कि तुम्हारी बहन ने बनाया, मुझे पता है। हाँ, तो खा के ही टेस्ट में बता देगा भाई कौन बनाया बिरयानी। भाई दोनों बहन मिल के बिरयानी बनाए जीजा जी के लिए। स्पेशलिटी ये है कि इसमें घी है, घी ज्यादा है। बोलो आपन कैसा लगा बिरयानी, कैसे लगा बताओ? बिरयानी मस्त लगा है, आपन ने बोल दिया, मतलब जीजा जी को वो बहुत पसंद आता है, मतलब बहुत टेस्टी है। क्योंकि उसमें ना अपने बहन ने बोला थोड़ा घी डाल देना, मैं बहुत ज्यादा ही घी डाल दिया है, तो इसीलिए बहुत टेस्टी बनी है बिरयानी। तो आनू को तो मेरा बहन ने ले गया था। हाँ, आपन ने पहले ही बताया मोनी इसमें क्या डाला है, ये चमक रही है बिरयानी। मैंने बोला बिरयानी कैसे चमक रही है, फिर पता लगा जो भाई, फिर मैंने बोला ऐसे बहुत सारा मैंने घी डाल दिया ऊपर में, जब बन चुकी है तब मैंने ऊपर से घी डाल दिया, तो बहुत टेस्टी बनी है बिरयानी। देखो ए जीजा जी के लिए लेके भी जा रही हूँ बिरयानी, क्योंकि हाँ जीजा जी के लिए लेके भी जा रही हूँ बिरयानी, क्योंकि बिरयानी तो लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग देखते रहिए, क्योंकि मैंने तो इसका ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि बाहर नहीं आया तो क्या बनाऊंगी भाई, ऐसे तो घर में बैठ बैठ के तो लाइव में आ ही जाती हूँ, तो जब बाहर आया तो तभी बनाया मैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलूँगी, हाँ फॉर वॉचिंग, फिर मिलूँगी कोई और ब्लॉग में। अभी तो इतना तक तो ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बाद में सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ सब्सक्राइब करना मत बोलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ईद मुबारक।